तो आज की इस क्लास में हम देख लेते हैं पेल्विस, यानी कि हम एमआरआई पेल्विस में कितने एमआरआई करते हैं, उसका करने का मेथड क्या है वो देख लेते हैं। तो पेल्विस हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एमआरआई पेल्विस, क्लियर। तो पेल्विस को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, कौन कौन सा, एक मेल पेल्विस, एक फीमेल पेल्विस। क्लियर। भाई हम पेल्विस के एमआरआई सीख रहे हैं, तो पेल्विस में कितने एमआरआई हम कर सकते हैं पहले वो चीज क्लियर कर लेते हैं। तो मेल पेल्विस में चलो देखो, सबसे पहले हो गया एक एमआरआई हिप जॉइंट, कौन सा एमआरआई हिप जॉइंट, नंबर टू एमआरआई प्रोस्टेट, क्लियर। और नंबर तीन एक हो गया एमआरआई टेस्टीज एंड पेनिस, ठीक है, ये हो गया। नंबर चार हो गया एमआरआई फिश किलोग्राम, ठीक है। अब फिश किलोग्राम दो टाइप के होते हैं, नंबर एक एनोरेक्टल फिस्टुला और नंबर टू पे क्या हो गया पायलोनिडल साइनस। तो पहले हमें पेल्विस के एमआरआई करने से पहले तो हमें पहले प्रोफाइल मालूम होनी चाहिए कि पेल्विस में स्कैन होते कितने हैं, क्लियर। अब फीमेल पेल्विस की तरफ देख लेते हैं, इसमें नंबर वन सेम एमआरआई हिप जॉइंट, एक एमआरआई हिप जॉइंट हो गया। नंबर दो एमआरआई, नंबर टू पे क्या आएगा एमआरआई यूट्रस, यानी कि फीमेल पेल्विस, फीमेल पेल्विस, क्लियर, या यूट्रस लिख लो, गायनी पेल्विस भी बोलते हैं इसको, क्लियर। नंबर तीन एमआरआई फिस्टुलोग्राम, अब फिस्टुलोग्राम इसमें भी दो टाइप के होते हैं, नंबर वन एनोरेक्टल फिस्टुला और नंबर दो इसमें हो गया यही पायलोनिडल साइनस। तो ये इतने सारे स्कैन हम करते हैं पेल्विस के अंदर, मेल एंड फीमेल पेल्विस। अब सबसे पहले इसमें कौन सा एमआरआई है, एमआरआई हिप जॉइंट। तो हमें देखना है कि एमआरआई हिप जॉइंट करने का बेसिक रूल क्या है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं क्या एमआरआई हिप जॉइंट, एमआरआई हिप जॉइंट, क्लियर। तो एमआरआई हिप जॉइंट करने का बेसिक स्कैनिंग क्या आएगी इसकी, बेसिक स्कैनिंग यानी कि हिप जॉइंट में सबसे पहले हम क्या सीक्वेंस करते हैं, कोरोनल, कोरोनल ओरिएंटेशन, क्या करेंगे कोरोनल ओरिएंटेशन। कोई भी एक सीक्वेंस हम पहले कोरोनल में करते हैं, इसमें कोरोनल ओरिएंटेशन, या वो T1 कोरोनल हो, ट्रिम कोरोनल भी हो सकता है और PDFS कोरोनल भी हो सकता है। यानी कि जब हम एमआरआई हिप जॉइंट करते हैं तो सबसे पहले उसमें कोरोनल ओरिएंटेशन का सीक्वेंस हम चलाएंगे। तो यहां लिख लो पहले आप क्या कोरोनल, कोरोनल कर लिया। अब कोरोनल इमेज से ही बनाएंगे हम क्या एक्सियल एंड सजाइटल, ये एमआरआई हिप जॉइंट करने का वो है रूल है इसका, ये क्लियर, ये सिखा रहा हूं मैं अभी तुम्हें। तुम लोग जब आप मशीन पे बैठोगे एमआरआई करने तो आप सबसे पहले कोरोनल सीक्वेंस रन करोगे, जब कोरोनल इमेज आ जाएगी उसके देन बाद आप एक्सियल का प्लान करोगे एंड सजाइटल का प्लान। तो एक्सियल का प्लान भी कोरोनल पे होगा और सजाइटल का प्लान भी कोरोनल इमेज पर होगा। तो इसको बोलते हैं क्या हम, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। जब आप एमआरआई हिप जॉइंट करने मशीन पे बैठोगे तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सबसे पहले मैं कोरोनल सीक्वेंस यानी कि कोरोनल ओरिएंटेशन सीक्वेंस रन करूंगा, देन उसके बाद एक्सियल और देन फिर सजाइटल, क्लियर। चलो इसके सीक्वेंस भी लिख देता हूं अभी हैंड टू हैंड, ठीक है। नंबर वन ट्रिम कोरोनल, T1 कोरोनल, क्लियर, T2 कोरोनल,
एक PDFS कॉरोनल। चलो नंबर 4 हो गया इस्टर एक्सियल। नंबर 5 हो गया T1 एक्सियल। नंबर 6 हो गया इस्टर सजाइटल। क्लियर। नंबर 1 हो गया T1 सजाइटल। T1 सजाइटल। तो ये सीक्वेंसेस हम करते हैं इसमें। तो ये सीक्वेंस हो गए। क्लियर। ये सीक्वेंस मतलब ये सीक्वेंस चेंजेस भी हो सकते हैं, जरूर नहीं कि यही सीक्वेंस रहेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही सीक्वेंस रहता है इसमें। तो ये मतलब आपको माइंड मेकिंग करना है, जब हमारे आप हिप जॉइंट सीखोगे मशीन पर बैठकर, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले तो ये पूरी प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए कि हम पेल्विस में स्कैन इतने करते हैं टोटल, फिर 1x1 इनको सिखाया जाएगा आपको। 1x1 सिखाने के बाद फिर इनके बेसिक स्कैन सिखाए जाएंगे, भी इसका ओरिएंटेशन ये है, इस ओरिएंटेशन मतलब इस ऑर्डर में हम स्कैनिंग करते हैं, ये सीक्वेंस है इनके। क्लियर। जैसे था इसमें सबसे पहले था कॉरोनल, यानी कॉरोनल सीक्वेंस हमें रन करना था। तो कॉरोनल की प्लानिंग कैसे होगी, देखो कॉरोनल प्लान ऑन कौन सी इमेज पाएगा, दो इमेज पाएगा, कॉरोनल प्लान ऑन एक्सियल एंड सजाइटल। ये आपको मालूम है, मैंने बता दिया। अब आपको ये भी मालूम है कि कॉरोनल की जो प्लानिंग है वो कैसे होगी, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर होगी। क्लियर। अब आप एक्सियल इमेज बना लो पहले हिप जॉइंट का, तो हिप जॉइंट का एक्सियल इमेज इस टाइप से होता है, ठीक है, और सजाइटल इस टाइप से होता है। ये पहले यहीं पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो। तो इसका एंटीरियर ये है, इसका पोस्टीरियर ये है, इसका एंटीरियर ये है, इसका पोस्टीरियर ये है, तो प्लानिंग अपना आप ऐसी हो जाएगी, रटना नहीं है मतलब उसी में। आप ये हो गया इसका प्लान। ये अब ऐसा आपको रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में ये जो पार्ट है, ये जैसे ये ह्यूमरस हेड है, इसको देखना है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करना है, ये कॉर्नल की प्लानिंग होगी। इस टाइप से आपको रेडी करने MRI के कॉन्सेप्ट, यानी कि प्लान क्लियर करने। अब देखो सेकंड इसका हमने प्लान बताया था कि इसका एक्सेल प्लान, ये देख लो खुद ही प्लान कर दोगे आप। एक्सेल प्लान ऑन कॉर्नल, दो इमेज में प्लान होता है, कॉर्नल और सजाइटल। एक्सेल की प्लानिंग कैसे होती है, सुपीरियर टू इंफीरियर। तो पहले एक्सेल में पहले कॉर्नल बना लो। चलो हिप जॉइंट की कॉर्नल ऐसे होती है, ऐसे होती है हिप जॉइंट की कॉर्नल, और जो सजाइटल है वो ऐसे आएगी, ये सजाइटल आएगी। अब इसका सुपीरियर ये है, इसका इंफीरियर ये है, इसका सुपीरियर ये है, इसका इंफीरियर ये है, पे कैसा जाएगा प्लान। ये रहा, बहुत इजी है करना, कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो जाना चाहिए आपका। 1 महीने में कंप्लीट MRI। ये देखो ये हो गया एक्सेल प्लान। अब तीसरा प्लान क्या था इसका, सजाइटल प्लानिंग थी। सजाइटल प्लानिंग, तो सजाइटल प्लान ऑन देखो MRI करने से पहले आपके माइंड में स्कैनिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रटने से MRI नहीं होगा। क्लियर। तो सजाइटल प्लान ऑन कॉर्नल एंड एक्सियल। तो सजाइटल प्लानिंग कैसे होती है, राइट टू लेफ्ट होती है। तो यहाँ आप राइट टू लेफ्ट लिख लो पहले माइंड में अपने। अब आप कॉर्नल इमेज बनाइए, चलो कॉर्नल इमेज ये बन गई, ऐसी होती है ना कॉर्नल, और एक्सियल इमेज ऐसी होती है इस टाइप से। तो हमें प्लान करना राइट टू लेफ्ट, तो इसका राइट, इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका लेफ्ट। अब इसमें ये ओब्लिक होता है, जो प्लान होता है ओब्लिक होता है, तो ये फिमरल नेक के पैरेलल प्लान जाए। फिमरल नेक के पैर, तो ये हो गया फिमरल नेक के पैर। क्लियर। अब इसकी फिल्मिंग, तो फिल्मिंग पहले मैं बनाने सिखाऊंगा, देन उसके बाद मैं सिखाऊंगा। तो आज की हमारी प्रोफाइल में क्या कंप्लीट हुआ, MRI हिप जॉइंट। क्लियर। इसको बैठ के नोट्स बनाओ और रेडी करो इसको। क्लियर।